देखें पाकिस्तानियों, ये है तब्दीली और ये है सबसे बड़ी तब्दीली, और इसी वजह से ये इंशाल्लाह हमारी कौम उठेगी, इसी वजह से इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि जंग से मसला नहीं हल होने लगा। मुझे हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी, वो मैं आज उस पर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पर अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, सवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाल्लाह।